हाय एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IOCL रिफाइनरी डिवीजन से यदि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, 1 ईयर का यदि आप सब सर्टिफिकेट ले रहे हैं अपने हाथों में, तो आने वाले फ्यूचर में उसका क्या स्कोप रहेगा, क्या मतलब वो जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, परमानेंट प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी जॉब के लिए, तो इस पूरा डिटेल पर मैं आपको बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ। उससे पहले मैं बता दूँ कि इस चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि IOCL के रिगार्डिंग जेन्युइन कैंडिडेट जो है कि कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है। तो काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर मैं डाटा ऑपरेटर से हूँ, अप्रेंटिसशिप करने से क्या स्कोप है, काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हूँ, डिप्लोमा मैकेनिकल हूँ, काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि मैं BSc जो है कि HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो क्या स्कोप है आने वाले जो है कि फ्यूचर में यदि 1 ईयर का सर्टिफिकेट गेन कर लिया जा रहा है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि आपके सामने अभी जीता जागता एक जो है कि रिक्रूटमेंट अभी आई थी IOCL रिफाइनरी के सारी रिफाइनरी डिवीजन से, सारी रिफाइनरी से, तो उसमें जो है कि अगर देखा जाए तो परमानेंट की पोस्ट अगर देखा जाए तो इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है कि रिक्रूटमेंट और जो है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी। इससे प्रीवियस अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर में, तो इतना ज़्यादा जो कि कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं आई थी जितना इस बार 2021 में आई है, और अभी 24 अक्टूबर का उसका रिसेंटली एग्जाम हुआ। तो आप ये ना सोचिए कि आने वाले समय में क्या स्कोप होगा, कुछ करने से फ़ायदा नहीं होगा, तो ये जो सोचते हैं उनके लिए तो अप्रेंटिसशिप नहीं है। यदि वो ये मानकर चलते हैं कि नहीं अप्रेंटिसशिप कर लिया जाए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आँख बंद करके अप्रेंटिसशिप कर लीजिए IOCL रिफाइनरी डिवीजन से। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस का, मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें इतना ज़्यादा जो है कि केमिकल वालों को, यदि आप केमिकल से बिलोंग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, मैकेनिकल से तभी अपॉर्चुनिटी है, और इलेक्ट्रिकल से हैं तो अभी अपॉर्चुनिटी है, और चाहे कोई भी ITI फिटर हो चाहे डाटा ऑपरेटर, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये भी नहीं कहा जाता था कि 100% आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरा ये समय सजेशन हमारा यही रहेगा कि अभी देख लीजिए जीता जागता आपके पास इतना वैकेंसी आई थी, तो हो सकता है इससे ज़्यादा जो कि आने वाले समय में वैकेंसी आएगी, तो वो आपका और जो है कि नंबर ऑफ चांसेस जो है कि सिलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप अप्रेंटिसशिप आँख बंद कर कीजिए, क्योंकि इसमें स्टाइपेंड भी कुछ आपको मिलेगा, और जो है कि 12,000 प्लस आपको जो है कि स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और जो है कि फैसिलिटी भी मिलती है काफ़ी अच्छा। यदि अप्रेंटिसशिप इस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं रिफाइनरी डिवीजन से, तो सबसे पहले तो आपको जो है कि टेक्निकल जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको जो है कि सीखने को मिलता है, इसमें बाय हैंड करने को भी मिलता है, और नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, आप जाकर वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी जो है कि रिफाइंड डिवीजन का जो है कि अप्रेंटिसशिप रहेगा। तो आप, मैं आपको सजेशन यही कहना चाहूँगा कि आप अप्रेंटिसशिप कीजिए आँख बंद करके, और भी कोई क्यूरी है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ से जो है कि काफ़ी कैंडिडेट IOCL के जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम नहीं आपको रिस्पॉन्स देंगे तो वो लोग आपको क्यूरी जो कि आपके क्यूरी का सॉल्यूशन दे देंगे। तो यही कुछ जो है कि अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा था दोस्तों। मैं बता दूं कि आप अप्रेंटिसशिप जितने भी कैंडिडेट किए थे IOCL रिफाइनरी डिवीजन से, तो हमको लग रहा है जो 24 अक्टूबर का भी एग्जाम हुआ है उनको जो है कि मैक्सिमम चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट IOCL वाले कैंडिडेट जो है कि सिलेक्शन होगा, उनका हो ही जाएगा। तो आगे आने वाला समय मत सोचिए दोस्तों, आप अप्रेंटिसशिप कीजिए IOCL रिफाइनरी डिवीजन से, और उसके बाद से आप जो है कि 1 ईयर का अपने हाथों में जो है कि सर्टिफिकेट लीजिए, और भी देखा जाएगा आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन चांसेस यही है कि आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट इसी की तरह से आएगी और इससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो यही कुछ जो है कि इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो था दोस्तों, मैं सोचा आपको बता दें। तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक लाइक आपको बनता है कि एक लाइक, वीडियो छोड़ने से पहले जो है कि एक लाइक आप जरूर करके जाइएगा,